स्वागत है आप सभी का एमटीवी न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। कहीं बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं तो कहीं भीषण गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। 15 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून आज मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी प्रदेश में बताया जा रहा है कि लू के आसार हैं। प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए ग्वालियर, भिंड और दतिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज से मऊगंज, सतना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, सागर, मंदसौर, नीमच, श्योपुरकला, बैतूल, सिंगरौली, सीधी, दतिया, निवाड़ी, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, मंडला, दमोह, मेहर, पांडूना, रतलाम, मुरैना, कटनी, पन्ना, छतरपुर जिलों में तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और संभाग सागर के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तरी भारत, शिवपुरी, दमोह, सिवनी, पांडूना, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, शाजापुर में मध्यम धूल तूफान के साथ बिजली और ओलावृष्टि और तेज हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। भिंड जिले में तीव्र लू तो ग्वालियर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, दतिया, सागर, निवाड़ी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, भिंड, मुरैना, उज्जैन में कहीं कहीं लू चल सकती है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर पश्चिमी विदर्भ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। हवाओं का रुख दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बना हुआ है। अलग अलग स्थानों पर बनी इस मौसम प्रणाली के असर से नमी आ रही है और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इधर लगातार द्रोणिका भी बन रही है, इस वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में लू तो भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर संभाग के जिलों में तेज रफ्तार के साथ हवा चलने की संभावना है। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि अब लोगों को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तेज गर्मी और लू की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिम राजस्थान के स्थानों, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में मौसम लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई तो कहीं कहीं तेज धूप निकली। मौसम विभाग ने आज राजगढ़, गुना सहित कई अन्य जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा डिंडोरी, जबलपुर सहित कई जिलों में बारिश के साथ संभावना है। बढ़ते तापमान के बीच विभाग ने प्रदेश के श्योपुर, मऊगंज, सतना, रीवा, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट में कहीं कहीं तेज बारिश हल्की संभावना बताई गई है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी तापमान बढ़ने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में तेज लू चलेगी जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए, लाइव मौसम खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।